निशा ड्यूटी से अपने घर आती है और घर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को देखकर घर के अंदर दो छोटे बच्चे थे वो एक कमरे के अंदर जाकर कोने में डरे सहमे से बैठ जाते हैं। जैसे ही उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है वो नहीं समझती है और अपना बैग पैक करके बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। अब उसके बाद मायके में 11 दिन तक रहती है और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि निशा उल्टे पांव वहाँ पर आ जाती है और अपने पति से माफ़ी मांगती है। आखिर क्या हुआ था निशा के साथ 11 दिन में मायके के अंदर और क्या कहानी थी जो निशा अपने घर आकर इस तरह से चिल्ला रही थी, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में वीडियो के अंत में कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो हमें रेगुलरली देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके बड़े अच्छे ही कमेंट हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की कहानी है निशा और विकास की। निशा और विकास पति पत्नी है, उनके साथ उनके माँ बाप रहा करते हैं और दो बच्चे हैं निशा और विकास को। विकास एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता है, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है तो घर का खर्चा आसानी से चल जाता है। लेकिन जो निशा है वो मनचले स्वभाव की है, वो अपनी मनमानी किया करती है और बात बात पर गुस्सा किया करती है। विकास उसकी सभी हरकतों को माफ़ करते हुए उसको अपने साथ रखता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहा है। निशा एक कंपनी के अंदर 12-13 हज़ार रुपये की नौकरी करती है तो कभी कभी विकास उससे कहा करता कि तू इस नौकरी को करके क्या करेगी, मैं काफ़ी अच्छा खासा कमाता हूँ, तू ऐसा कर, घर पर रह, माँ बाप की सेवा कर और बच्चों का पालन पोषण कर। इस बात को सुनकर निशा अक्सर भड़क जाया करती और कहती है कि मैं तो नौकरी करूँगी ही करूँगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे तभी एक दिन अचानक से निशा दिन के 12 बजे अपने घर आती है। घर आने के बाद उसका पति सामने लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था तो निशा उससे कहती है कि तुम आज नौकरी क्यों नहीं गए, तो वो कहता है कि आज मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि तुम घर से ही काम कर लो, आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह अपने रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करती है और उसके हाथ में जो बैग था उसे वो फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से उस घर के अंदर चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम लोगों के कलेश की वजह से आज मेरी नौकरी छूट गई और तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग वैसा करते हो, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने को देखकर उसके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक कमरे के कोने में जाकर डरे सहमे से बैठ जाते हैं। इस बात को देखकर उसके सास ससुर भी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब जो पति है विकास वो इस सभी चीज़ों को देखकर निशा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर बात क्या हुई पूरी बात बताओ, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों की लड़ाई की वजह से तुम लोग बार बार मुझे ताना देते हो, आज मेरी नौकरी छूट गई है। उसके बाद विकास कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी अगर तुम्हें करनी है तो कुछ दिनों बाद कहीं और मैं लगवा दूंगा तुम्हें, तुम ऐसा करो तब तक बच्चों का ख्याल रखो और घर के अंदर माँ बाप भी हैं, माँ बाप को भी ख्याल रखने वाले की ज़रूरत है। इस बात को सुनकर निशा और भी ज़्यादा भड़क जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसका पति फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी बच्चे छोटे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और ऊपर से माँ बाप भी बड़े बूढ़े हैं, उनसे उठकर चला भी नहीं जाता, तो तुम अभी ये नौकरी का भूत अपने सर से उतार दो और यहीं पे बनी रहो। उसके बाद निशा चिल्लाते हुए अपने कमरे के अंदर जाती है और अपना बैग पैक करती है, अपने बच्चों को तैयार करती है और उन्हें लेकर मायके जाने की बोलती है। उसको मायके जाते हुए देखकर सास ससुर भी रोने लगते हैं और अपने बेटे विकास से कहते हैं कि बेटा बहू जा रही है घर छोड़कर, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, इसे रोक लो। उसके बाद विकास अपनी पत्नी निशा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो 4-5 साल रुक जाओ, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब तुम नौकरी कर लेना। इसके बाद निशा झिल्लाते हुए विकास से कहती है कि मैं 4-5 साल बाद ही अपने मायके से आऊँगी जब ये बच्चे स्कूल जाने लगेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा कहकर वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से सीधा बस स्टैंड जाती है और बस स्टैंड से बस पकड़कर अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ पर जाते ही उसकी माँ मिलती है और माँ कहती है कि बेटी तुम इस तरह से क्यों आ गई, तुमने ना तो कोई खबर की ना ही बताया और एकदम से ऐसे आने का क्या कारण है, क्या कोई बात हो गई। उसके बाद निशा अपनी माँ के सामने भी चिल्लाने लगती है। उसे देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि ज़रूर ये अपने घर पर झगड़ा करके आई होगी। इतनी ही देर में उसकी छोटी भाभी जो छोटा भाई था उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है और आकर अपनी ननद को चाय पानी देती है, उसे बिठाती है और वहाँ पर उनके साथ ही बैठ जाती है। तभी वह अपनी सास से पूछती है कि माँ जी दीदी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो इतना क्यों भड़क रही हैं। उसके बाद निशा की माँ एकदम से बोल देती है कि ये तो पागल है, अपने सास ससुर से और अपने पति से लड़के आ गई होगी। इस बात को सुनकर निशा फिर से गर्म हो जाती है और अपनी माँ पर ही चढ़ बैठती है, कहती है कि माँ तुम्हें अब भी मैं ही पागल दिखती हूँ।
उसके बाद जो उसकी भाभी है वो उसे थोड़ा सा समझाती है और शांत माहौल करके वहाँ से अपने काम धंधे में लग जाती है। अब निशा 11 दिन तक अपने मायके में रहती है और 11 दिन मायके में रहने के बाद वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी जो छोटी भाभी है वो उसकी माँ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती है, उसके कहने से पहले ही उसके लिए सामान ला दिया करती है। और जो उसकी माँ है उसके स्वभाव में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। वो पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई गुथाई करती थी, निशा की तरह का ही उसका स्वभाव था, लेकिन अब वो अपनी बहुओं के साथ बड़े ही प्यार से रहा करती है। अब उसके बाद वो और उसकी माँ एक साथ बैठे हुए थे, तभी वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा किस्मत ख़राब नहीं है, तू ख़राब है जिस वजह से तू यहाँ पर बैठी है। उसके बाद वह झिल्लाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, मैं कैसे ख़राब हूँ, तुम इस बात को सिद्ध कर सकती हो। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ, अभी बीते दिनों की बात है, तुम्हारे भैया का ट्रांसफ़र एक बड़े शहर में हो गया था, तो उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर जाऊँगा और माँ तुम बड़े भाई के साथ रह लेना। निशा के दोनों भाई एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करते थे जिसकी ब्रांचेज हर शहर के अंदर थी, तो उसके भाई का ट्रांसफ़र हो गया था। और अब जैसे ही ये बात उसकी भाभी को पता चलती है तो वह उससे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, मैं अपनी सास की सेवा करूँगी यहीं पर रहकर। इस बात को जैसे उसका भाई सुनता है तो वो अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लेता है और उसी शहर में रहकर अपनी नौकरी को कंटिन्यू करता है। अब ये बात जैसे ही निशा सुनती है तो निशा को विश्वास नहीं होता, वो सोचती है कि माया शायद मेरे से झूठ बोल रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। शाम को उसका भाई आता है तो वह अपने भाई से पूछती है कि भाई क्या तुम्हारा कुछ दिनों पहले ट्रांसफ़र हो रहा था। तो वह निशा को अपनी पूरी बात बताता, वो कहता है कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था, तो मैंने जैसे ही तुम्हारी भाभी से कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लोग बाहर जाकर रहेंगे, यहाँ पर जो माँ जी हैं वो बड़े भाई के साथ रह लेंगे, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी सास की सेवा करूँगी और यहीं पर रहूँगी, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। इसके बाद निशा जैसे इन सभी चीज़ों को सुनती है तो उसका माथा ठनकता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो रात भर इसी बात को सोचती रहती है कि मेरी माँ का स्वभाव चेंज हो गया, मेरी जो भाभी है वो माँ की कितनी सेवा करती है, उनके कहने से पहले ही सभी चीज़ों को उनके सामने लाकर रख देती है। अब ये बात सोचते सोचते उसकी पूरी रात निकल जाती है। सुबह उठती है और सुबह उठकर अपने फ़ोन को देखने लगती है। वो सोचती है कि 11 दिन हो गए और 11 दिन तक मेरे पति ने मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं किया, तो उसे गिलानी आती है और वो सोचती है कि मैंने उन्हें दुखी ही इतना कर दिया कि वो मेरे पास फ़ोन करे भी तो किस मुँह से करे, और ऊपर से मैं 4 साल की कहकर आई थी तो वो फ़ोन भला क्यों करेंगे। तो वह अपने फ़ोन को उठाती है और अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आज मैं घर आ रही हूँ। उसके बाद उसका पति उधर से कहता है कि तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। ऐसा कहने के बाद वो फ़ोन रख देती है और अपनी माँ से और अपनी भाभियों से विदा लेकर बस में बैठ जाती है अपने बच्चों को लेकर और सीधा अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसे घर के अंदर सास ससुर मिलते हैं और सास ससुर जैसे ही उन बच्चों को देखते हैं तो वो एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं। घर के अंदर दोबारा से किलकारियाँ गूंजने लगी थी बच्चों की, और निशा जाकर अपने सास ससुर के पैर छीती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और किचन के अंदर जाकर उनके लिए चाय बनाती है। अब उनको चाय पिलाती है और घर का सारा काम अच्छी तरह से देखती है। शाम को उसका पति थका हारा ऑफिस से आता है और जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करता है तो निशा भाग कर जाकर उसके पैर छूती है और पैर छूने के बाद उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अब अपनी पत्नी को इस तरह से रोते हुए देखकर जो विकास है वो थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या जो इस तरह से रो रही है। तो वह उसे चुप कराता है और उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम ये बताओ। तो निशा रोते हुए उससे कहती है कि मेरी ही गलती थी, मैंने अपने घर को कभी घर समझा ही नहीं, मैं अपने ही घमंड में चूर रहती थी और मेरी ही वजह से नौकरी छूटी थी। दरअसल दोस्तों उसका स्वभाव जैसा घर में था वैसा ही स्वभाव कंपनी के अंदर था और कंपनी वाले मौका ढूंढ रहे थे उसे निकालने के लिए। उस दिन जिस दिन उसको निकाला गया था उस दिन उसने अपने सीनियर से बहुत ही रूडली बिहेव किया था और उस पर चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी। उसने यह बात जाकर मालिक को बता दी और मालिक को केवल एक मौका चाहिए था और इसी वजह से उस मालिक ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। इसके बाद वह अपने पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, आज से मेरा यह घर है और मैं यहीं पर रहूँगी। इसके बाद पति पत्नी और सास ससुर उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। अब निशा अपने सास ससुर की सेवा किया करती, अपने पति का ख्याल रखा करती और बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आप लोगों को जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट दें।
अब बारी आती है कमेंट पढ़ने की। कमेंट पढ़ते हैं जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, जो हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है वैष्णवी जी का। वैष्णवी जी ने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था और कहा था कि सर मेरा नाम ज़रूर लेना, तो वैष्णवी जी आपका नाम आ गया है। अब आप अगले कमेंट में बता सकती हो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाद दूसरा कमेंट आता है तुषार साधु जी का, जो हमारी हर वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करते हैं। मोस्टली इनके कमेंट में लिखा हुआ होता है कि सुपर स्टोरी। तो तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सपोर्ट करने के लिए और अपना कीमती वक्त देकर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के लिए। उसके बाद तीसरा नाम आता है फेसबुक से। फेसबुक पर हमारे एक ऑडियंस है जिनका नाम है सलाउद्दीन खान। बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं हर वीडियो पर और हमें फुल सपोर्ट करते हैं। तो सलाउद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और अपनी कृपा इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखें। अब चौथा कमेंट आता है धर्मेंद्र सरोत का। वो भी हमारी हर एक वीडियो देखते हैं और हर वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते हैं। तो धर्मेंद्र सरोत जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। अब पांचवा कमेंट आता है रेखा जी का। रेखा जी ने भी अपने कमेंट में लिखा था कि अति सुंदर। तो रेखा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए। और दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। केवल इस वजह से हम आप लोगों को ये कहानी सुनाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक सीख छुपी होती है और हम चाहते हैं कि आप लोग उस सीख को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें ताकि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।